नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत के बाद। भारत का रहने वाला हूं, भारत के बाद बताता हूं। राजनीति में जो होता है कई बार वो दिखता नहीं और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। क्या राजस्थान में कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है? राजस्थान में दिख तो रहा है कि गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन क्या इस रेस में उनके अलावा कोई और भी है? अगर हां तो वो कौन है? अगर गहलोत ही एकमात्र चेहरा है तो किसी और के होने का आभास क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर इतनी बड़ी है कि सुनकर मैं भी हैरत में पड़ गया, इसलिए मैंने वहां के नेताओं से बात की, रिपोर्टर्स को कॉल कर ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश की, अपने स्तर पर कंफर्म किया। अब मैं खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खास सवाल है जिनको जान लेना बेहद जरूरी है। सवाल, क्या सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद वाकई खत्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर दो, जीतने पर पहले जैसी बगावत क्या नहीं होगी? अगर कांग्रेस जीतती है तो पहले जैसी बगावत नहीं होगी। सवाल नंबर तीन, क्या किसी बड़े नेता की एंट्री से राजस्थान कांग्रेस एक पेज पर दिखने लगेगी, यानी सारे मतभेद क्या दूर हो जाएंगे? सबसे पहले बात सवाल नंबर एक की, और हमारा पहला सवाल यही कि क्या गहलोत और पायलट के बीच ऑल इज वेल है? अब दो बड़े डेवलपमेंट देखिए, दोनों बेहद जरूरी है। कल अजमेर में गहलोत और सचिन पायलट का रोड शो होना था। खबर है कि सचिन पायलट कल इसमें शामिल नहीं होंगे, वो कल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने रोड शो की बात से इनकार कर दिया। इस बीच सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंच चुके हैं। कहा गया कि दिल्ली में हवा खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी हवा राजस्थान की खराब हो रही है? डेवलपमेंट जयपुर में भी बड़ी तेजी से हो रहा है। वहां कांग्रेस के पोस्टर धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं, पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या है नए पोस्टर जो राजस्थान में सड़कों के किनारे और चौराहों पर दो एक दिन से दिखाई भी दे रहे हैं? कांग्रेस के गृहलक्ष्मी गारंटी वाले वादे के होर्डिंग अब अशोक गहलोत तो है ही, सचिन पायलट भी है। ये वही सचिन पायलट है जो पहले गहलोत की तस्वीर वाले पोस्टर से नदारद रहते थे, लेकिन अब गहलोत के साथ इन्हें भी होर्डिंग में जगह मिल गई है, जो अपने आप में कई बातें कहती। कांग्रेस के इस पोस्टर परिवर्तन के पीछे का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। राजस्थान में कांग्रेस ने कैंपेन का जिम्मा डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को दिया है। 3-4 महीने से पार्टी का प्रचार यही कंपनी देख रही है। पहले जो पोस्टर बने उन पर सिर्फ गहलोत थे। इनसाइड इंफॉर्मेशन यह है कि इस पर राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हो गए। पोस्टर पर जगह देकर पहले उनकी नाराजगी दूर की गई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनकी फोटो हटा दी गई। लेकिन सचिन पायलट का नंबर नहीं आया, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई, तब जाकर पायलट को गहलोत वाली होर्डिंग में जगह मिल पाई। गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते के उतार चढ़ाव जग जाहिर है, खुद दोनों ने भी कभी कुछ नहीं छिपाया। लेकिन अब चुनाव सर पर है और कांग्रेस समझ गई है कि वो सचिन पायलट को इग्नोर करने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसकी दो वजह हैं जो जानना जरूरी है। पहली वजह, कांग्रेस इसके जरिए राजस्थान में खुद को एकजुट दिखाना चाहती है। दूसरी वजह, गहलोत और सचिन पायलट को एक पोस्टर पर दिखाकर कांग्रेस गुर्जर समाज और युवाओं को जोड़ना चाहती है। इसके पीछे है पूर्वी राजस्थान का कास्ट इक्वेशन जो सचिन पायलट के फेवर में जाता दिखाई देता है। यह गुर्जर बाहुल्य इलाका है जिस पर सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। कांग्रेस पार्टी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। राजस्थान में गुर्जर समाज के 7-9% वोटर हैं। ये राज्य की 200 में से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना नामुमकिन है। वैसे भी 2018 में राजस्थान में कांग्रेस को मिली जीत का सेहरा तब के प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट के सिर ही बंधा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने कुर्सी गहलोत को दे दी। ये बात पायलट को नागवार गुजरी और जुलाई 2020 में उनकी नाराजगी बगावत बनकर सामने आ गई, लेकिन पायलट का
पलड़ा भारी पड़ा। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों कुर्सियां छोड़नी पड़ी। बाद में हाईकमान के दखल से सुलह तो हो गई, लेकिन गहलोत और पायलट के रिश्ते में गांठ पड़ गई जो अब भी रह रहकर दिखाई देती है। 2018 में के चुनाव में सचिन पायलट का ही चमत्कार था कि राजस्थान के जितने गुज्जर सीटें थी वहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन उसके बाद जो अशोक गहलोत और पायलट जी के बीच में मतभेद उभरे, फिर वो मतभेद सड़क तक पहुंचे, सड़क से होटल तक गए, वो मतभेद अभी तक पटाक्षेप होते नहीं दिख रहे। इसका असर वैसे तो 2020 के बाद से ही दिख रहा था, लेकिन राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म होने के बाद से ही दोनों का अंदाज और अंदाजे बयां बदला बदला सा है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये छोड़ना चाहता हूं, आज ही कह रहा हूं छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। हम लोगों को पद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं चाहिए, हमें पद चाहिए पार्टी के लिए, पद चाहिए सरकार कायम करके लोगों की सेवा करने के लिए। कौन किस पद पर बैठेगा इसका निर्णय जीतने के बाद विधायक करेंगे और पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। कांग्रेस साला कमान की पूरी कोशिश का नतीजा क्या रहा इसका अंदाजा इन्हीं बयानों से लगाया जा सकता है। वैसे मेरी राजस्थान में कई लोगों से बात हुई जिनमें कांग्रेस के नेता भी हैं और पत्रकार भी, उनकी बातों से तो यही लगता है कि कांग्रेस में कैसी बिसात बिछी है जिस पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी अपनी गोटियां चल रहे हैं। वो दोनों लोग सचिन पायलट और अशोक गहलोत रेल की पटरियों की तरह से साथ साथ तो चलते रहे, लेकिन कभी एक साथ नहीं आए, वो पैरेलल चलते रहे। और इसलिए वहां पर दो लीडरशिप, पैरेलल लीडरशिप कांग्रेस चलाती रही, जिसका नुकसान हुआ। बाद में सचिन पायलट ने एक क्रॉसिंग पर आकर अपना रास्ता अलग लाने की भी कोशिश की, उसका नुकसान भी हुआ। और अभी तक ये हो गया कि 5 साल में 2018 से 2023 में वो मतभेद मनभेद में बदल गए। इसका असर राजस्थान में कांग्रेस के कैंपेन पर दिख रहा है। गहलोत और सचिन पायलट शुरू में तो एक मंच पर दिखे ही नहीं, बाद में दिखे, लेकिन ऐसे मौके तभी आए जब दिल्ली से कोई बड़ा नेता आया, वरना दोनों अलग अलग ही चलते रहे। सचिन पायलट मध्य प्रदेश में तो रैली कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जिन इलाकों पर गहलोत की पकड़ है वहां अब तक एक भी रैली उन्होंने नहीं की। राजस्थान में जिन इलाकों को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है वहां गहलोत ने भी अब तक कोई रैली नहीं की है। राजस्थान में चुनाव प्रचार से राहुल गांधी भी दूर नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी वहां अब तक कोई रैली नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने अब राहुल गांधी के राजस्थान टूर का प्रोग्राम रिलीज कर दिया है। वो राजस्थान में 16 नवंबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो पहले 3 सीटों पर पार्टी का गणित दुरुस्त करने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी 16 नवंबर चुरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नोहर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर जाएंगे और 19 नवंबर को वो जयपुर में भी रोड शो करेंगे। यानी राहुल गांधी का ये नया कार्यक्रम सामने आया है। राहुल गांधी का राजस्थान प्रोग्राम तब शुरू होगा जब वोटिंग में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचेगा। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। कांग्रेस में जिस मतभेद की बात की जा रही है, राहुल गांधी क्या खुद को उससे दूर रखना चाहते हैं? गहलोत और पायलट के बीच दिख रही खाई ने कहीं उन्हें धर्म संकट में तो नहीं डाल दिया? कांग्रेस का एक्शन प्लान चाहे जो भी हो, बीजेपी के दिग्गज जमकर रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। कांग्रेस सरकार 5 साल से जनता को धोखा ही दे रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी गाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो आपके सामने है। इसकी कमान फिलहाल गहलोत के हाथ में जरूर है, लेकिन चुनाव के बाद अगर पार्टी सरकार बनाने की हालत में रही तो उन्हें एक बार फिर सचिन पायलट के चैलेंज से टकराना पड़ सकता है। फिलहाल राजस्थान पर इतना ही। अब बात करेंगे 2024 के मास्टर स्ट्रोक की। यकीन मानिए, आने वाले दिनों में यह खबर बहुत बड़ी होने जा रही है। सियासत शतरंज की तरह होती है। विरोधी की एक मजबूत चाल या खुद की कोई कमजोर चाल
हार की बड़ी वजह बन जाती है, इसलिए जब तक खेल चलता रहे मुस्तैद रहना पड़ता है। जैसा इन दिनों देश की सियासत में हो रहा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की लड़ाई होगी। यह लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ एनडीए का कुनबा होगा तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सियासी बयानबाजियों और रैलियों में गूंजने वाले मुद्दों के आधार पर मुझे यह महसूस हो रहा है कि विपक्ष 2024 के चुनाव को जाति की पिच पर ले जाने की कोशिश में है। राहुल गांधी जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं, हर जगह उनकी जुबान पर जाति की बात आ रही है। आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उन्होंने जो कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है, किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है, 150 सीटें यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, हकीकत यह है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ओबीसी वोटर सत्ता के किंग मेकर होते हैं। 2014 से 2019 तक इस वोट बैंक का बड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा गया। जिस वोटर पर पहले कांग्रेस की मजबूत पकड़ होती थी, वो पिछले 2 चुनावों में मोदी पर भरोसा कर रहा है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट बताती है कि 2009 में ओबीसी वोटर ने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा किया था और यूपीए 2 बनी। लेकिन 2014 में तस्वीर बदली जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के साथ आ गया है, तो 34% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ गए, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 15% ओबीसी वोट बैंक बचा। मोदी सरकार के एक कार्यकाल के बाद यानी साल 2019 में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ा। इस बार कांग्रेस के वोट बैंक में भले ही कोई कमी नहीं हुई हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के पास जो ओबीसी वोट जाता था उसका 10% हिस्सा बीजेपी में जुड़ गया और यही बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार भी बन गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।